हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कविता इज हेयर अगेन। आज का ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल रहने वाला है, क्योंकि मैं वीकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ। तो इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, कम्प्लीटली वॉच करें, ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सप्ताह की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल जवाब आपकी मदद करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर से आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। नाउ डिस्कशन अबाउट क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड कहाँ स्थित है? ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज देहरादून, ब शिमला, नेक्स्ट दिल्ली एंड द लेह। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? अ माले, बी सूबा, स सियोल, द बारसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है अ। ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन, किस देश ने 23 जुलाई को मंगल के लिए रोवर लॉन्च किया है? ओके, ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज रूस, सेकंड ईरान, थर्ड यूएई एंड नेक्स्ट चीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है द। ओके, द मीन्स चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, मलेरिया नियंत्रण के लिए --- ने साउथ अफ्रीका को 20.60 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है। एंड ऑप्शंस आर, अ ल्यूपिन, ब HIL, स VPPI और द इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एंड करेक्ट आंसर इज ब HIL। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वृक्षारोपण अभियान किसने शुरू किया है? ऑप्शंस आर, अ अमित शाह, ब बाबुल सुप्रियो, स प्रकाश जावड़ेकर और द डॉक्टर हर्षवर्धन। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है अ, दैट्स मीन हमारे होम मिनिस्टर डॉक्टर अमित शाह जी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस आर, अ 1980, ब 1986, स 1994 और द 1998। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्लीज गेस। ओके, इसका करेक्ट आंसर है ब 1986। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इज, COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक्टिव रिस्पिरेटर मास्क और नैनो सैनिटाइजर विकसित किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो इसमें टाइम टेकन इसके ऑप्शंस हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर प्लीज गेस करें, इसका करेक्ट आंसर है आपका स। ओके, स जो ऑप्शन है आपका SNVNCBS। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर एट, किस देश ने उसका पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट ANASIS-11 लॉन्च किया है? ओके, ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन अ जापान, ब साउथ कोरिया, स नॉर्थ कोरिया और द चीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया, दैट्स मीन ब। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, एयर फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस AFCC का आयोजन कहाँ किया गया? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस आर, अ कोलकाता, ब अजमेर, स नई दिल्ली, द देहरादून। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? स नई दिल्ली। एंड लास्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, ओके, रिकरिंग पेमेंट आवर्ती भुगतान के लिए
ओके डैश है ने यूपीआई ऑटो पे फीचर लॉन्च किया है, इजंट इट? तो ऑप्शंस आर फर्स्ट वन अ रिलायंस, ब पेटीएम, स पेजेप और द NSPI। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्लीज गैस। ओके चलिए बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर है द, दैट्स मीन NSPI। ओके उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन ओके बाय।